नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आपका इस खास इंटरव्यू में। और आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने दरंग विधानसभा सीट जो कि मंडी में पड़ता है इस सीट का मुकाबला काफ़ी हॉट बना दिया है। जी हाँ, बहुत ही रोमांचक मुकाबला हो सकता है आने वाले चुनावों में इस सीट पर। हालांकि इन्होंने कांग्रेस की तरफ से टिकट की दावेदारी भी जताई है, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का वो अपना चुनावी क्षेत्र है तो ऐसी संभावनाएं कम ही जताई जा रही हैं। वैसे राजनीति असीमित संभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल संभावना तो ये जताई जा रही है कि उनका टिकट कटना मुश्किल है। तो मेरे साथ हैं इस वक्त जिला परिषद मंडी के उपाध्यक्ष और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर जी। पूर्णचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में, इंटरव्यू में। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अचानक से आपने विधानसभा इलेक्शन लड़ने का मन बनाया कि ये विचार पहले से आपके जहन में था? ऐसा है, विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार आज सबको है। लोकतंत्र में कोई टिकट मांगना कोई गलत बात नहीं है। मैंने विधानसभा लड़ने का जो विचार बनाया है, मैं दरंग चुनाव क्षेत्र का स्थायी निवासी हूँ और हमारे इस क्षेत्र से ठाकुर कौल सिंह जी आज स्वास्थ्य मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार में। जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का 2012 में, तो ठाकुर साहब ने कहा था मेरा अंतिम चुनाव है और उन्होंने ये भी ऐलान कहा किया था कि अगली बार टिकट जो है नौजवानों को दिया जाएगा, सेकंड लाइन तैयार की जाएगी। तो मैंने पिछले 5 वर्षों से चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है और साथ ही साथ दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता का मुझे, मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूं और मुझे भरपूर समर्थन जो है दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता का मिल रहा है। आपके खिलाफ दरंग कांग्रेस कमेटी ने निष्कासन प्रस्ताव पारित किया और आपको दरंग कांग्रेस से निकालने की उन्होंने बात कही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मैं पिछले 38 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही रहा हूं और सिपाही के वफादार सिपाही के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और आज तक मैंने पार्टी के खिलाफ कभी भी कोई भी बात नहीं कही है और ना आज तक मैंने कोई पार्टी बदली है। और दरंग कांग्रेस कमेटी ने जो मेरे खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव भेजा है, इस सिफारिश को मैं सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे पार्टी को नुकसान पहुँचा है। क्योंकि मैंने इस बार जिला परिषद का चुनाव दूसरी वार्ड से लड़ा जिसमें आधी पंचायतें दरंग चुनाव क्षेत्र की, आधी पंचायतें जोगिंदर नगर चुनाव क्षेत्र की आती थी और इस जिला परिषद के चुनाव में दरंग चुनाव क्षेत्र के कुछ पदाधिकारियों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने मेरे खिलाफ खुल करके काम किया। उसके बावजूद भी मुझे बड़ीधार वार्ड की जनता ने जिला परिषद का सदस्य जिता करके भेजा। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव लाया है, वो लोग पार्टी के वफादार सिपाही न रहे हैं और न आगे रहेंगे। वो मात्र अपनी ठेकेदारी चमकाने के लिए जो है पार्टी के पदाधिकारी बने हैं और अपने जो हमारे जो नेता हैं दरंग के ठाकुर कौल सिंह जी,
जिनको हम लोगों ने 8 बार जिताया है, उनको जिताने में मेरा भी अहम रोल रहा है। वो पदाधिकारी ठाकुर कौल सिंह जी को गलत रिपोर्टें देते हैं, और मैंने जो मैं जिला मंडी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, मैंने ये जो खतरनाक चुनाव जीता, इससे कांग्रेस पार्टी की लाज बची है। तो आपके और कौल सिंह जी के जो संबंध थे, वो तो कहते हैं कि बहुत ही प्रगाढ़, जिसको कह सकते हैं एकदम बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, लेकिन आपने जैसा कहा कुछ पदाधिकारी हैं दरंग कांग्रेस के, तो क्या जो गतिरोध हैं आप दोनों के बीच में उसी कारण पैदा हुए, या फिर जो उन्होंने बयान दिया था पिछले इलेक्शंस में कि मैं अब यंग कैंडिडेट को मैं मौका दूंगा नेक्स्ट इलेक्शंस में, और नेक्स्ट इलेक्शन में कोई युवा चेहरा होगा कांग्रेस का, वो वजह थी, या फिर आपकी अपनी एम्बिशन चुनाव लड़ने की वो एक वजह है, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो बहुत बड़े सीनियर कुछ लीडर जो सीनियर बन जाते हैं, ये अपने चुनाव क्षेत्र में किसी को उभरने नहीं देते हैं। इन जो ये 5 वर्ष जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने बहुत विकास के काम किए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, वो दरंग भी इससे अछूता नहीं है। मगर जो इन 5 वर्षों में मेरे साथ जो व्यवहार हमारे नेता ठाकुर कौल सिंह जी ने, जिनको हमने बनाया है, उन्होंने किया, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। एक तो ये भी कारण है, और दूसरा कारण क्योंकि अब मेरी उम्र जो है 60 साल 6 महीने हो चुकी है, तो अब मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर बुढ़ापे में क्या लड़ूंगा, और फिर दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता का आज जो रुझान है वो दरंग में तीसरे उम्मीदवार को विकल्प के रूप में देखना चाहते हैं, और मुझे दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता का मैं गांव-गांव में जाकर के भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपने टिकट के लिए भी अप्लाई किया कांग्रेस के? अभी 4 तारीख को मैंने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है, और 28,000 रुपये जो फीस रखी थी उसको भी मैंने जमा करा दिया है, जिसकी रसीद मेरे पास है। और पार्टी के टिकट के लिए मैं दिल्ली हाईकमान तक जो जाऊंगा, और जो मैंने पिछले 38 वर्षों में किया है उसका ब्यौरा भी मैंने हाईकमान के समक्ष जो है पूरा रख दिया है। तो अगर नहीं, अगर मानती हाईकमान टिकट नहीं मिलता, तो आप मूड बना चुके हैं इंडिपेंडेंट लड़ने का? अगर हाईकमान टिकट नहीं देती है तो दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता जो फैसला करेगी, दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता जो कहेगी मैं वह करूंगा, और चुनाव अब नहीं लड़ूंगा तो कब लड़ूंगा। मतलब आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? ये ठीक है, अगर जनता कहेगी तो लड़ूंगा। अभी अब तक आप घूम रहे हैं दरंग के इतने क्षेत्रों में, जनता का क्या रुझान है, क्या कह रही है? अब दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता का रुझान पूरा मेरी तरफ है, वो तीसरे आदमी को विकल्प के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि मैंने पिछले 38 वर्षों से पंचायत का प्रधान रहा मैं, उस समय से लेकर के आज तक दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता की जो भी सेवा मुझसे मुफ्त में हो सकी है मैंने की है, क्योंकि मुझे ना कोई सरकारी वेतन मिलता है, ना कोई पार्टी की तरफ से हमें कोई फंड मिलता है, मुफ्त में जो सेवा आज तक दरंग चुनाव क्षेत्र की है वो पूरन चंद ठाकुर ने की है। एक बात कौल सिंह ठाकुर ने कुछ दिन पहले की थी कि अगर आप इलेक्शन लड़ते भी हैं और इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते हैं तो उसका जो नुकसान है वो भाजपा को ज़्यादा होगा, क्योंकि भाजपा के वोटर्स का और कुछ वहाँ के छोटे नेता हैं उनका सपोर्ट आपको है, उस पर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो ठाकुर साहब ने खुद देख लिया,
जब मैंने जिला परिषद का अभी चुनाव लड़ा, उन्होंने मेरे साथ क्या किया और तब मैं जीत करके आया। ये बिल्कुल ठीक है कि भाजपा के जो भाजपा से के जो वोटर थे उनका भी मेरे साथ डायरेक्ट संबंध है, और कांग्रेस पार्टी के बहुत ऐसे रुष्ट नेता हैं और बहुत रुष्ट वोटर हैं जो मेरे साथ है। इससे स्पष्ट, और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वोटर भी मेरे साथ है, और ये इस मुकालते में हैं कि पूरन चंद को वोट नहीं मिलेंगे। ये तो अभी एक सवा महीने के अंदर द्रंग की जनता बता देगी कि वो किस तरफ जाएगी, क्योंकि मैंने द्रंग चुनाव क्षेत्र के जनता की बहुत सेवा आज तक जो मुझसे हुई है मैंने वो की है, और इस चुनाव को मैं जीतूंगा, डंके की चोट पर जीतूंगा। ओके, अभी अभी आपने कुछ बात कही कि जो ये चुनाव हुए इसके जिला परिषद के, उसमें तो कुछ उसमें क्या ऐसी सिचुएशंस हुई थी कि आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा दूरियां हो गई? ऐसा है, मैं पार्टी का वफादार सिपाही था, हूँ और रहूँगा, मगर मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र की राजनीति की, मेरे खिलाफ जो इस जिला परिषद के चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने तो काम किया ही किया, मंत्री महोदय जी ने भी मेरे खिलाफ काम किया, उसके बावजूद भी मैं जीत करके आया। जो द्रंग कांग्रेस ने जो अपने पार्टी का जिला परिषद के लिए बड़ी धार से जो उम्मीदवार दिया था, उनको तो मात्र 1000 वोट मिला। क्या द्रंग में कांग्रेस पार्टी का उस वार्ड में क्या 1000 वोट है? ये मैं स्पष्ट कहता हूँ कि द्रंग की जनता, बड़ी धार की जनता मेरे साथ है। तो उसको आप एक लिटमस टेस्ट की तरह मान रहे हैं कि वहाँ एक तरीके का वो एक टेस्ट हो गया हो कि क्या वहाँ का रुझान है जनता का? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि वहाँ बीजेपी के जो पूर्व धाकड़ मंत्री रहे उन्होंने मेरे खिलाफ काम किया, और जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उन्होंने मेरे खिलाफ काम किया, और हमारे द्रंग कांग्रेस के पदाधिकारी जो जिला और प्रदेश में हैं उन्होंने और हमारे नेता ने मेरे खिलाफ काम किया, उसके बावजूद भी मैं जीता। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जनता मेरे साथ है। पूर्णचंद जी, काफ़ी सारे नेता होते हैं आज की तारीख में, अपने सुविधा अनुसार पार्टीज चेंज करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जो शुरू से ही कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, और आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे इस वक्त द्रंग से, उनके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है, मैं जन्मजात से कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस परिवार से रखता हूँ संबंध, और द्रंग से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने आज तक जो है 4-4 पार्टियां बदली हैं, मैंने आज तक कोई भी पार्टी नहीं बदली हुई है। जब शुरू में ठाकुर कौल सिंह जी ने 1977 में जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, उसमें मेरी उम्र कम थी, उसमें 21 साल का जो आयु पूरी कर जाता था उनको वोट देने का अधिकार था, मेरी उम्र 21 वर्ष नहीं थी, तो मैं बिल्कुल साफ सुथरा कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, क्योंकि उस समय अब मैंने ठाकुर कौल सिंह को वोट नहीं दिया है, क्योंकि उस समय ठाकुर साहब ने जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था, और उस समय से लेकर के आज तक मैं पोस्टर लगा रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। इससे द्रंग की जनता नहीं, मंडी जिला की नहीं, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। सर, तो अब पूरा आपने मूड बना ही लिया है, तो जैसे कि तो क्या आपको उम्मीद लग रही है, और कौन से ऐसे समीकरण है जो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत के प्रति, और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है अब जैसे गाँव जा रहे हैं तो? अच्छा, ऐसा है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में पहली बार नहीं जा रहा हूँ, मैं पिछले 38 वर्षों से मेरा लगातार जनता के साथ सीधा संबंध है,
क्योंकि मैं 17.5 वर्ष तक जो है अपनी एक टिंडी पंचायत का प्रधान रहा। उसके बाद 2 बार मैं टांडू वार्ड से जिला परिषद का सदस्य हजारों वोटों से जीत करके जिला परिषद में पहुंचा, और 2005 में भी मुझे मंडी जिला की जनता ने जो क्रीम चुनाव लड़ करके जीत करके आए होते हैं उन्होंने मुझे जिला परिषद का उपाध्यक्ष चुना था, और इस बार भी मंडी जिला की जनता ने मुझे जिला परिषद का उपाध्यक्ष अच्छे वोटों से जिता करके मुझे चुना। मैंने कुल पंचायतों के प्रधान से लेकर के जिला परिषद के वाइस चेयरमैन तक 8 चुनाव आज तक जीते हैं। 3 बार में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्रंग का अध्यक्ष रहा और 2 बार चुना हुआ जिला मंडी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, और आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से बना हूँ। और मैंने जैसा कि पहले कहा, हर पंचायत के हर गांव का मैंने दौरा किया है, आज भी कर रहा हूँ, पीछे भी किया है, और द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ, आम जनता के साथ मेरा सीधा संपर्क है, जिसे मुझे इस चुनाव क्षेत्र में जो है इस चुनाव में विधानसभा के चुनाव में मुझे फ़ायदा मिल रहा है। जबकि मैंने विधानसभा के लिए आज तक द्रंग की जनता से वोट नहीं मांगे हैं, मगर लोगों के व्यक्तिगत काम और कई दूसरे काम जो है बहुत काम मैंने लोगों के किए हैं, जिसका मुझे इस चुनाव में जो है बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ उपाध्यक्ष जिला परिषद मंडी और साथ ही उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हिमाचल श्री पूर्णचंद जी, और इनका पूरा मूड है इस बार कि ये चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी टिकट दे चाहे ना दे, जनता का सपोर्ट इनको है, इनका ऐसा मानना है। और साथ ही एक समय जो मंत्री हैं हमारे इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, उनके साथ इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे, लेकिन कुछ गतिरोध बीच में पैदा हुए पिछले 5 साल के दौरान। एक बयान था पिछले इलेक्शंस में कौल सिंह ठाकुर ने कहा था कि नेक्स्ट चुनाव में मैं युवाओं को मौका दूंगा, तो वो चीज़ भी इनके जहन में थी, और इस बार ये पूरे तरीके से पूरे दमखम से जुट गए हैं, और ये आने वाले चुनाव बताएंगे कि द्रंग की जनता किसे ताज पहनाती है MLA का अपने क्षेत्र से। इस इंटरव्यू को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जानकारी के लिए और इस प्रकार के इंटरव्यूज़ के लिए और चुनावों की सरगर्मियों के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। हमीरपुर सुजानपुर क्षेत्र में तो चलता ही है, केबल नेटवर्क पे आता है, और साथ ही मंडी के केबल नेटवर्क पे आता है, उसके साथ ही आप इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके ऊपर भी हम लेटेस्ट जानकारियाँ चुनावों से रिलेटेड डालते रहेंगे। साथ ही फेसबुक के ऊपर भी आप हमारा पेज लाइक कीजिए, वहाँ पर भी हम ताज़ा तरीन लेटेस्ट जानकारियाँ चुनावों से संबंधित डालते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू को देखने के लिए।